अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। बेटा सेल के अंदर पानी किस तरह एंटर होता है, किस तरह सेल से बाहर जाता है, कब सेल को ज़रूरत पड़ती है वो अपने अंदर से फालतू पानी को निकाल देता है और कब अपने अंदर पानी को ले आता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक बेटा वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की और सोलवेंट की जो तादाद है वो क्या हो, बराबर हो। द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट। बेटा हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ा था जिसमें जितना पानी एंटर हो रहा है ना सेल के अंदर उतना ही के अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना पानी, फर्क कर लें 50 ग्राम अगर पानी बाहर जा रहा है ना तो 50 ग्राम ही पानी अंदर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, वेन ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक जिसमें बेटा सोल्यूट की तादाद कम हो, ठीक है, वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल्स एंड मे रेप्चर लाइक अवर फिल्ड बलून। देखिए बेटा हाइपोटोनिक में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सोल्यूट की कम होगी, तो जब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब ज़्यादा फूल जाएगा तो उसके रप्चर होने का भी, फट जाने का भी खतरा होता है। सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो बेटा अब हाइपरटोनिक जिसमें सोल्यूट की तादाद ज़्यादा हो, मतलब सोल्यूट जो चीनी है या जो कोई भी नमकियात वगैरह वो ज़्यादा है, विल लॉस वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज। ठीक है बेटा, जाहिर सी बात अगर पानी की कंसंट्रेशन इसके अंदर कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो सारा का सारा जो पानी है इसके अंदर से निकल जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट एनिमल सेल्स मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर, एंड इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो ये तीन कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, ये वाली जो तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, ये वाली, इसी तीन कंडीशन को उन्होंने पहले पैराग्राफ में क्या किया है, अप्लाई किया है। उसके बाद व्हेन वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हैव सम डिफरेंट फॉर प्लांट सेल्स बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वॉल्स, मोस्ट प्लांट सेल्स लाइव इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट की तादाद कम हो, देर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, उसकी सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारे पास माहौल कौन सा है, हाइपरटोनिक। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड then in cells, as a result water tends to move first inside cell and then inside vacuole। ठीक है बेटा, पहले यानी कि वो कहता है पानी जो होता है वो सेल के अंदर जाता है फिर वैक्यूल के अंदर चला जाता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीज इन साइज साइटोप्लाज्म प्रेस फर्मली अगेंस्ट इंटीरियर ऑफ सेल वॉल विच एक्सपेंड्स अ लिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल पेरेंट सेल डज नॉट रप्चर बट इंस्टेड बिकम रिजिड। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एग्जर्टेड बाय इंटीरियर वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। बेटा टर्गर प्रेशर हम कहते हैं पानी का प्रेशर, जो पानी क्या कर रहा है, लगा रहा है। आप लोगों ने गंदम का पौधा देखा होगा, गंदम का पौधा इतना बारीक सा होता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो बिल्कुल खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि बेटा उसके अंदर पानी का प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर क्या करता है उन्हें गिरने में, गिरने नहीं देता, और उन्हें क्या करता रहता है, प्रेशर डाले रखता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, एंड द फिनोमेना इज टर्गर। इन आइसोटोनिक एनवायरमेंट द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज फ्लैसिड। ठीक है बेटा, इन ए हाइपरटोनिक एनवायरमेंट अ प्लांट सेल लॉसेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, इस अमल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो बेटा यहाँ से लेके ये वाली जो है ना, इन दिस कंडीशन, ठीक है बेटा, ये वाला नहीं, यहाँ से नहीं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्गर तक, ये टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, यहाँ से लेके टर्गर तक टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है, और उसके बाद आगे हमारे पास इन ने हाइपोटोनिक, यहाँ से लेके प्लाज्मोलाइसिस, तो ये प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन है, तो ये आपने करनी है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।